हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल फ्लोरा में। आज जिस प्लांट के बारे में हम जानकारी लेंगे उसका नाम है मोगरा। लगभग हर एक के घर पे ये प्लांट होता है, इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू हर एक को पसंद आती है। दिखने में प्यारे प्यारे सफ़ेद सफ़ेद से इसके फूल होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ये लगभग 1.5 से 2 साल का है, जिसके हर एक टहनी पे कम से कम एक कली खिली हुई है। ये देखिए, आपको कलियाँ देख के पता चल ही रहा होगा कि मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी है। ये मेरा जो फूल है ये सीजन का पहला फूल था जो कि कल खिला था, और कल आई हुई बारिश की वजह से एक ही दिन में मुरझाने लगा है। नहीं तो ये फूल 2 दिन तक अच्छे से खिला खिला सा रहता है और तीसरे दिन मुरझाने लग जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस प्लांट का ख्याल कैसे रखती हूँ, इसकी केयर कैसे लेती हूँ। तो केयर में सबसे पहले बात करते हैं पानी की। तो इसे मॉडरेट पानी लगता है, मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो तो बस होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। धूप की बात करें तो इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है, दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इसे पसंद आती है, तभी इस पे कलियाँ खिलती है, फूल आते हैं। इस पे अगर हमें ढेरों फूल चाहिए तो हमें इसे जनवरी के फर्स्ट वीक में हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है, और प्रूनिंग के बाद अगर पॉट गमले में हो तो कम से कम 3 से 4 दिन तक हमें इसे पानी नहीं देना है, और अगर ज़मीन में लगा हो तो कम से कम 8 से 10 दिन तक इसे पानी ना दें। डोंट वरी, पौधे को कुछ नहीं होगा, आपको जल्दी ही नए नए पत्ते खिलते हुए दिखाई देंगे, प्लांट बुशी होता हुआ दिखाई देगा, पर हर एक नए पत्ते के साथ हमें कलियाँ आते हुए भी दिखाई देगी। और जब कलियाँ खिल के मुरझा जाएंगी तब हमें उसकी हल्की सी प्रूनिंग करनी होगी, बस उसके टिप को कट करना होगा ताकि और कलियाँ खिलें और हम ढेर सारे फूलों का मज़ा ले पाए। ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर साल मैं अपने पौधे पर करूँ। फ्रेंड्स, अगर खाद की बात करें तो मैं इसे महीने में एक बार लगभग हाफ चम्मच बोन मील और हाफ चम्मच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देती हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं मेरा ये पॉट लगभग 10 इंच का है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसकी थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं और फिर खाद और प्रूनिंग कैसे करना है दोनों भी देख लेंगे। ये मैं गुड़ाई कर रही हूँ, बस 1 से 2 इंच की गुड़ाई कर लेंगे ताकि हम जो खाद डालें उसका इफेक्ट हमारे पौधे पे जल्दी हो। इन जनाब को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी मैं गार्डन में काम करती हूँ ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये अब हम इसको खाद डालेंगे। पहले हम ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे जो कि एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। मैं मोस्टली ऑर्गेनिक खाद ही देना पसंद करती हूँ। और ये बोन मील है लगभग आधा चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिट्टी में थोड़ा सा मिला देंगे। कल की बारिश की वजह से मेरी मिट्टी अभी थोड़ी नम है तो मैं पानी नहीं दूंगी, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग कैसे करते हैं मैं वो भी दिखा दूं। वैसे तो मेरी सारी टहनियों पे कलियाँ खिली हैं, पर एक दो टहनी ऐसी हैं जहाँ पे कलियाँ नहीं हैं, तो उसकी मैं हल्की सी प्रूनिंग कैसे करते हैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, इन टहनियों पे कलियाँ नहीं हैं तो इसकी हल्की सी प्रूनिंग हम कर देते हैं। बस आगे के दो जो पत्ते होते हैं उनको हमें कट करना है ताकि वहाँ से नए पत्ते खिले, तो ये हम कटिंग कर देते हैं। अभी लगभग 1 से 2 इंच तक ही मैंने कटिंग की है, ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टहनी पहले से ही छोटी है, और कटिंग कर देंगे तो नोट्स नहीं रहेंगे तो नए शूट्स नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी दो टहनियों को भी कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस पे बारीक सी कली खिली हुई है तो हम इसे कट नहीं करेंगे। ये जो बीच वाली टहनी है हम उसे थोड़ा सा कट कर देंगे। इस पे तो कहीं कली दिख ही नहीं दे रही है तो हम इसे कट कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब जबकि हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है तो लगभग अगले 2 से 3 दिनों में इसमें नए नए पत्तियाँ खिलने स्टार्ट हो जाएंगी और नई पत्तियों के साथ और भी कलियाँ खिलने शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपने मोगरे की प्लांट की केयर लेती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर लीजिए और ढेर सारे फूल पाइए। इसके साथ साथ आपका अगर और कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और जिनकी क्यूरी या फिर कमेंट हमें पसंद आएगी उनके लिए हमारे तरफ से एक तोहफा रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए और प्राइस पाते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।